सुबह सुबह अगर हम लोग को खान नाश्ते में इस तरीके से अच्छी रेसिपी मिल जाए या अच्छा नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है। हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा की रसोई में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही क्विक रेसिपी जो कि हम लोग आटे और पनीर से बनाएंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं आगे के प्रोसेसर में। सबसे पहले हम लोग इसके लिए आटा ले लेते हैं। ये मैंने हाफ कप आटा लिया है। ये एक स्पून मैंने इसमें सूजी ली है और एक स्पून मैदा। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं आप, एंड नमक स्वाद अनुसार। इसमें जो नमक है वो हम थोड़ा कम ही रखेंगे, बिकॉज अभी जो हम मसाले का बैटर रेडी करेंगे उसमें भी हम लोग नमक यूज करेंगे, इसलिए। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये एंड झटपट से बन जाती है। अगर मॉर्निंग में हमें अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। आप चाहें तो इस रेसिपी को स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर के लिए भी बना सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे। जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा रेडी करते हैं उसी तरीके से हमें इसको रेडी करना है, बट हमें जो आटा है इसका पहले थोड़ा सा लूज रखना है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि सूजी जो है वो जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं उसके बाद वो थोड़ी फूल जाती है। तो ये ऑलरेडी जब हम इसे रखेंगे 5 से 10 मिनट तो जो सूजी होगी वो हमारी थोड़ी फूल जाएगी और जो आटा है ये हमारा वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से हमने इसको गूंथ लिया है। ये देखिए बस अभी हम इसको इतना ही ढीला रखेंगे एंड इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं हल्के अपने हाथ में रख के, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम ढक देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं आगे हम बैटर बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने इसमें 100 ग्राम के अप्रॉक्स पनीर ले लिया है और उसको हमने ग्रेट कर लिया है, एंड इसमें डालेंगे हम लोग एक स्मॉल साइज की हरी शिमला मिर्च है, उसको मैंने आधा कट करके स्मॉल पीसेस में कर लिया है। एक स्मॉल जो गाजर है उसको हमने स्मॉल साइज में कट कर लिया है। वेजिटेबल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं या जो आपको लगता है वो वेजिटेबल आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक टीस्पून हरा धनिया कटा हुआ, और ये मैंने थोड़ी सी हरी मटर बॉइल्ड करके उसको क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं, अच्छा लगता है ये टेस्ट में। नमक स्वादानुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि नमक जो है हमने हमारा जो आटा बनाया था मीन्स गूथा था उसमें भी हमने डाला था, तो नमक उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें डालिएगा। अगर आप तेज लेते हैं नमक तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, और कम लेते हैं तो भी।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, तो हम चलते हैं आगे के प्रोसेसर में। आइए हम चलते हैं, सबसे पहले आटा अपना चेक कर लेते हैं एंड उसको ले लेते हैं अपने रोलिंग बोर्ड पर एंड हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए एंड इसको बनाते हुए इसकी छोटी छोटी जो लोई है या गोले हैं वो बना लेते हैं। छोटे छोटे गोले बनाने हैं आपने, जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं मोस्टली। हाथों से गोल करते हुए एक साथ बना के रख लेते हैं एंड अब हम इसको रखते हैं साइड में। आइए तो हम इसकी अब पेटी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सूखा आटा लेते हैं एंड उसको अपने जो रोलिंग बोर्ड है उस पर हल्का सा डाल लेते हैं एंड इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा मोटा हमें नहीं बेलना है, हमें ठीक ठीक रखना है। ये देखिए इतना ही आप रखिएगा पतला, ताकि ये खाने में भी ठीक लगे है ना। अब हम इसमें जो हमने बैटर बनाया था वो डालते हैं। मैं इसमें एक एक स्पून डाल रही हूँ। इसको अच्छे से सेट कर देते हैं एंड इसको यहाँ साइड से उठाते हुए हम पहले ऐसे प्रेस करते हैं, ये दबाते हैं इसका जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जिस साइड में हमने जो बैटर बनाया था वो रखा था, वहाँ से दबाते हुए हल्का सा पानी इसके चारों तरफ लगाएंगे हम, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और हमारी जो पेटीज है या हमारा जो रोल है वो आसानी से बन जाए। इसको इस तरीके से हम मिलाएंगे, इसी तरीके से इधर वाला कॉर्नर भी हम मिलाएंगे, प्रेस करेंगे एंड इस तरीके से करते हुए हम इसको दबा देंगे। के हाथों से हम शेप देंगे। अगर आपको लगता है कहीं से आपकी शेप बिगड़ रही है तो आप उसको हल्के हाथों से शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के जो रोल है वो भी हम लोग बना लेंगे एंड इसको हम रख देते हैं। देखिए गाइस, हमारी जो सारी पेटी है, पेटीज है या हमारा जो रोल है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको चलते हैं शैलो फ्राई करने की तरफ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इसे बेक भी कर सकते हैं, बट हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने जो गैस है उसे ऑन कर लिया है एंड उसमें हमने ये शैलो फ्राई करने के लिए पैन रख दिया है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे एंड अब हम इसमें ऑयल डालेंगे।
इतने ही ऑयल में हम ये सारे के सारे जो हमारे पेटीज बनी है उसको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, जो गैस का फ्लेम है हम उसको मीडियम कर देते हैं, इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। एंड अब इसमें अपनी जो पेटी है उसको एक एक करके डालते हैं। अब हम इसे एक तरफ से पहले अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये हमारी बहुत जल्दी पक तो जाएगी, बहुत जल्दी हमारी ये शेलो फ्राई हो जाएगी, बट ये अच्छी तरीके से अंदर से पकेगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पहले एक तरफ से अच्छे से पकाएंगे। आइए हम इसको पलटते हैं। ये देखिए हमारा जो एक साइड से है वो पोर्शन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो हम स्पून की सहायता से इसको दूसरे साइड से पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा जो ऑयल है इसके इधर कॉर्नर में हम लोग डाल देंगे ताकि ये साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारे जो पेटीज है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरीके से हमारी जो बाकी की पेटी बची हुई है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। देखिए गाइस हमारी जो आटे और पनीर की रेसिपी है ये बनके रेडी हो चुकी है खाने एंड सर्व करने के लिए। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है मनीषा की रसोई, उसे सब्सक्राइब एंड लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा।